वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आप सब को समझिए सर सोनू जमी के द्वारा प्यार भरा नमस्कार। आज के क्लास में मैं क्लास ट्वेल्थ का एनसीईआरटी मैथ बुक एक्सरसाइज 3.1 का मैं 8 नंबर से क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं आप लोगों को 1 से लेकर 7 नंबर तक का सभी क्वेश्चन मैं दे दिया हूँ और आज मैं इसमें जो शेष बचा है 3.1 एक्सरसाइज में उसे बताने जा रहा हूँ। आप लोग सभी स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव का ही क्वेश्चन है AIZ M × N एक वर्ग आप भी होगा तो इसमें से कौन से कंडीशंस को फॉलो करेगा। इसका मतलब ये होगा कि ये होगा कि ये होगा ये होगा जहां M और N उसका ऑर्डर है यानी कोटि है। याद रखिएगा एक वर्ग आप भी हो उस आप भी को कहते हैं जिस आप भी में पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान होती है अर्थात नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम तो वो होगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आप भी। जैसे इसमें देखिए पंक्ति कितने R1 और R2 और इसमें कॉलम कितने हैं कि C1 एवं C2। इसका मतलब इसमें पंक्ति भी दो और कॉलम भी दो। इसका मतलब ये 2×2 कोटि है ये M के रूप में रहता है और ये N के रूप में रहता है। इसका मतलब ये और ये बराबर होना चाहिए। अब देखिए इसमें पंक्ति कितने हैं R1 R2 R3 कॉलम कितने हैं कि C1 C2 C2 C3 इसमें कॉलम ही कितने हैं C3 यानी 3 है। इसका मतलब ये 3×3 कोटि हुआ। इसका मतलब M का भी मान 3 और N का भी मान क्या होती है। इस बात से पता चला कि ये दोनों बराबर होना चाहिए M बराबर N। इसका मतलब वर्ग आप के लिए M बराबर N होना चाहिए। इसमें कौन सा ऑप्शन लग रहा है देखिए C होगा इसलिए M बराबर N होगा तब एक वर्ग आप भी होगा इसका मैट्रिक्स ये होगा। तो समझ गए आप लोग अच्छे तरीके से। चलिए मैं आप लोगों को 9 नंबर का क्वेश्चन बताने जा रहा हूं एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स का। कह रहा है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आवयव के निम्नलिखित युग्म मान है यानी x और y का मान क्या होगा जिसके लिए ये दोनों इक्वल होंगे या a x बराबर c के प्रति और y का जो मान है इसमें 7 है y बराबर 7 है ठीक। b ज्ञात करना संभव नहीं c आपका ये मान है और d आपका ये मान है। तो देखो अब सबसे पहले ये तुलनीय अवयव है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है तो 3x + 7 = क्या 0 देखो 3x + 7 = 0 इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 3x = -7 ये प्लस है बताइए प्लस है तो x बराबर क्या होगा -7 दे दिए। अब यहां पे देखो फिर 2 - 3x बराबर क्या आ जाएगा पुनः क्या 2 - 3x बराबर क्या है 4। देखो यहां पे 3x + 7 = 0 था या 2 - 3x बराबर क्या 4 इसलिए -3x बराबर 4 और ये प्लस है बताइए क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो अब देखा जाए -3x = 4 में से 2 देखो 4 में से 2 घटेगा क्या बचेगा 2 तो x बराबर क्या हो गया 2/(-3) तो एक ही सवाल में देखो x का मान क्या आ रहा है -7/3 आ रहा है और एक का मान क्या आ रहा है -2/3 आ रहा है तो एक ही सवाल में x का दो वैल्यू नहीं आ सकता है एक ही चीज के लिए -7/3 और x का मान -2/3 इसलिए हम कह सकते हैं कि ज्ञात करना संभव नहीं है ये ऑप्शन बी हो जाएगा ज्ञात करना संभव नहीं है क्योंकि x का मान या -7/3 भी आ रहा है और x का मान क्या 2/(-3) इसलिए इसको ज्ञात करना संभव नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन अंतिम नंबर का क्वेश्चन है एक्सरसाइज आपका 3.1 आंसर भी होगा। कह रहा है कि 3×3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल की कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो ध्यान दीजिए जिनकी कुल की संख्या कितनी संख्या होंगी जिनके प्रविष्टि 0 या 1 है तो प्रविष्टि कितने देखो प्रविष्टि की संख्या कितने हैं प्रविष्टि यहां पे 0 1 है 0 1 जो कि संख्या के रूप में 2 है यानी 1 0 और 1 2 है। अब ये 3×3 कोटि क्या है 3×3 कोटि तो देखिए 3 दिया 9 तो अब यहां देखिए तो ये जो प्रविष्टि की संख्या जितनी होती है और 2 इसका यानी संख्या होती है कुल की संख्या बराबर होता है यानी प्रविष्टि की संख्या टू द पावर n जहां n जो है यानी कोटि के कुल अवयव कितने हैं n बराबर कितना हो गया 9 n बराबर 9 तो अवयव की प्रविष्टि कितने हैं 2 2 पे पावर 9 तो अब ये 2 पे पावर 9 का मतलब हुआ 2×2×2×2×2×2×2 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी गुणे 2 तो 2×2 4×8 16×32×64×128×256×512 अर्थात 512। तो चलिए स्टूडेंट्स समझ ही गए होंगे आप लोग वीडियो कैसा लगा अवश्य मुझे बताएंगे। पुनः नेक्स्ट क्लास 3.2 एक्सरसाइज में लेकर के आऊंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।